सकता है? क्या ये लोग पहले से ऐसा प्लानिंग कर रहे थे यहाँ? कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो अभी तो हम आए हैं और जिस तरह से न्यूज में ही जो चल रहा है सो चल रहा है, अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रोजगार मिल रहे थे और सब कुछ मिल रहा था, आज बैठक में भी लालू जी ने कहा कि हम लोग एकजुट रहेंगे। देखिए जब भी हम लोग सरकार में आते हैं राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो नीतीश कुमार सबको बेचैन कर खुद मौन साधे हुए हैं। वे ना तो सामने आ रहे हैं और ना ही इस बात की भनक लगने दे रहे हैं कि उनकी अगली प्लानिंग क्या होगी। उन्होंने इस बात पर भी सस्पेंस बना रखा है कि वे इंडिया गठबंधन में रहेंगे या फिर वापस एनडीए से हाथ मिला लेंगे। इसी बात ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ साथ बिहार में आरजेडी गठबंधन के सहयोगियों को भी बेचैन कर रखा है। इसे लेकर जब आरजेडी सांसद मीसा भारती से बात की गई तो वो बहुत ही नपेतुले अल्फाज में ये कह गई कि उन्हें तो पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है और ना ही ये पता चल पा रहा है कि क्या होने वाला है। कुछ पता नहीं, अभी तो कोई पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। लेकिन आप किसी के तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन तो दीदी जिस तरीके से बीजेपी उनके नजदीक दीदी जिस तरीके से बीजेपी के खेमे में खुशी है इस महागठबंधन के सरकार में दरार डाल के, क्या लग रहा है? क्या ये लोग पहले से ऐसा प्लानिंग कर रहे थे यहाँ? कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो अभी तो हम आए हैं और जिस तरह से न्यूज में ही जो चल रहा है सो चल रहा है, अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रोजगार मिल रहे थे और सब कुछ मिल रहा था, आज बैठक में भी लालू जी ने कहा कि हम लोग एकजुट रहेंगे। देखिए जब भी हम लोग सरकार में आते हैं राष्ट्रीय जनता दल बिहार के जनता के लिए और काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। नीतीश कुमार खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं और ऐसा करके उन्होंने ऐसा राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो करने क्या जा रहे हैं। इस पर कई तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं। चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार विपक्ष के इंडिया गठबंधन को छोड़ने जा रहे हैं और फिर से एनडीए के साथ हाथ मिलाने जा रहे हैं, लिहाजा ऐसी चर्चाओं ने बिहार में गठबंधन सरकार के सहयोगी आरजेडी प्रमुख लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी परेशान किया हुआ है। हालांकि वे जता तो यही रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये बात वे भी जानते हैं कि नीतीश कुमार पाला बदलने में माहिर हैं और अब की बार भी ऐसा ही करें तो इस बात की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के संयोजक और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बात से परेशान हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि नीतीश कुमार मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन नहीं उठा रहे, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से उनसे कई बार संपर्क करने की कोशिशें की जा चुकी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।